भिवंडी महानगर पालिका द्वारा संचालित महानगर पालिका की खस्ता हाल स्कूलों और धीरे धीरे इन स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र। शिक्षा पर ज्ञान बांटने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के ताहिर शेख ने भिवंडी से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जिला परिषद द्वारा चलाई जा रही स्कूल और उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और वहां मौजूद संसाधन यकीनन आप लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के रिपोर्टर ताहिर शेख की इस खबर को देखने के बाद भिवंडी महानगर पालिका के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजने वाले माता पिता और भिवंडी की जनता से अपील है, कमेंट कर बताएं क्या भिवंडी महानगर पालिका में एक भी ऐसी स्कूल है जहां पर आपके बच्चों को इस तरह के शिक्षा और साधन मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। एक साथ हम मौजूद है भिवंडी महानगर पालिका से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कांबे गांव में। जी हाँ, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये जिला परिषद की जो कांबे गांव की जो स्कूल है, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा हमने यहाँ की जो स्कूल है जो कि बाहर से ही खूबसूरत है या अंदर भी उसकी कितनी खूबसूरती है वो हम आपको यहाँ पे बता दें। तो हम यहाँ पर आज जाने वाले हैं और यहाँ पे जो स्कूल है जो जिला परिषद की जो बाहर से आपको बहुत खूबसूरत दिख रही होगी, अंदर जो उनका जो वॉल पेंटिंग है अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ लिखी हुई है बच्चों के लिए, देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम वहाँ पर अंदर चलते हैं और बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए यहाँ पर जो हम आपको जो यहाँ पे सरप्राइज विजिट है हम यहाँ आपको दिखाएंगे। चलते हैं अंदर हम और अंदर की जो जानकारी है अंदर जो बच्चों को मिलने वाली सुविधा है हम उसके ऊपर दिखाते हैं कि किस तरीके की इस जिला परिषद स्कूल में बच्चों को सुविधाएं मिलती है। आइए हम आप चलते हैं अंदर। तो हम यहां पर अंदर फिलहाल हम लोग आ चुके हैं और यहां पर हम जानकारी कोशिश करेंगे कि हम पहले खामोशी से वीडियो शूट कर ले ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। तो हम यहां पर आए हैं हमारे जो पहला जो क्लासरूम है, अब आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां पे जो टीचर है अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में स्क्रीन का जो LCD वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है और हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे क्लासरूम में नज़र आ रही है। और आगे भी हम चलेंगे, चलिए हम आगे भी दिखाते हैं किस तरीके से दूसरी क्लास में यहाँ पर बच्चों को प्रोजेक्टर से पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को यहाँ पर अलग ही तरीके का यहाँ पे जो आप देखने को मिल रहा है, हमने अभी तक का सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो पिक्चर्स है जो मूवीज़ है जो साउथ की मूवी है गीता रानी, उसमें देखा था कि एक मैडम प्रिंसिपल एक किस तरीके से स्कूल को मैनेज करती है, स्कूल का जो वातावरण है वो चेंज करती है, उसी तरीके का यहाँ पर हमने बिल्कुल इस जिला परिषद केंद्र साड़ा के कांबे गांव के यहाँ पर जो स्कूल है उसमें देखने को मिला। यहाँ पर पहले से सातवीं तक की क्लासेस चलती है जिसमें पांच क्लासरूम में LCD यूज़ की जाती है और दो क्लासरूम में प्रोजेक्टर से बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग तरीके की जैसे कि सुविधा यूनिफॉर्म से लेकर बच्चों को प्योर पानी का यहाँ पे सुविधा दी गई है। और सबसे मेन बात तो ये है कि ये जिला परिषद की स्कूल में हमने सबसे जो हैरत करने वाली चीज़ है जो ये लेबोरेटरी जो यहाँ पर लेबोरेटरी दी गई है उसके अंदर कई सारी जो इक्विपमेंट्स है प्रैक्टिकल है, साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, इन्वर्टर है, रोबोटिक है, ऐसे कई अलग अलग चीज़ों की व्यवस्था जो है बच्चों को दी गई है जो कि एक बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस छोटे से गाँव के जिला परिषद स्कूल में किस तरीके की सुविधाएं दी गई है। प्योरेट पानी दिया गया, अच्छा भोजन दिया गया, यूनिफॉर्म दिया गया। आप देखेंगे इस वीडियो में कि स्कूल में जो है वो LCD और प्लस CCTV कैमरा है, सिस्टम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर इस स्कूल में हमें देखने को मिली। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब हम स्कूल के अंदर गए तो किस तरीके से डिसिप्लिन थी, साइलेंट, हर बच्चे और टीचर्स अपने क्लासरूम में थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये कि इसमें कई सारी जो क्लासेस है
इसमें LCD और प्रोजेक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर भी यूज़ किया जा रहा है, जो कि प्राइवेट स्कूलों में हज़ारों रुपया फ़ीस देने के बाद भी वहाँ पर कोई इस तरीके से की जो चीज़ नहीं नज़र आएगी आपको। तो ये जिला परिषद कांबे गांव का जो ये स्कूल है, इसमें किस तरीके की फैसिलिटी है, यहाँ पर हर चीज़ का आपको यहाँ पर जो बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए हर चीज़ का यहाँ पर इंतज़ाम है, हर चीज़ यहाँ प्रोवाइड की जाती है। यूनिफॉर्म से लेकर बच्चों को अच्छा भोजन और प्योरीफाई पानी का जो प्लांट है, ये यहाँ पर प्लांट है जिससे जो प्लांट से फ्रेश गांव को दिया जाता है, वही प्लांट के जो पानी से यहाँ पर स्कूल में भी यही पानी बच्चों को पीने के लिए दिया जाता है। और हम इसी तरीके से जो ये ऐसी जो स्कूलें हैं जिला परिषद की हो या महानगर पालिका के अंतर्गत, तो हम आपको हमारे चैनल की कोशिश ये कि एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, ताकि लोग जो बच्चे आने वाले जो कल का जो भविष्य है उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। मैं तारीख एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।